हेलो एवरीवन, बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में अब मात्र 10 दिनों का ही टाइम बचा है। जिनका 7 को है उनके लिए तो बिल्कुल से भी समय नहीं है। अब बस अप्रॉक्स 10 दिन है और अब इस 10 दिन में क्या करें, इस वीडियो में वही जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपने सारे सिलेबस को कंप्लीट कर लिया होगा। अब सिलेबस का कोई भी पार्ट बचा नहीं होगा। अब आपका रिवीजन चल रहा होगा और आप लोग सेट भी ज़रूर लगा रहे होंगे। ठीक है, सेट में आपके मार्क्स ठीक आ रहे होंगे। अगर नहीं आ रहे हैं, अभी भी जिनका मार्क्स अच्छा नहीं आ रहा, वो अपने गलतियों को देखें। जिस चैप्टर से, जिस सब्जेक्ट का, जिस चैप्टर से गलती हो रही है, बार बार उस सब्जेक्ट को अभी भी आप पढ़ सकते हैं। मैंने आपकी हेल्प के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट वाइज टॉपिक बताए हैं, जिससे आप अगर उन टॉपिक्स को क्विक भी पढ़ेंगे, 7 दिन में 7 सब्जेक्ट ख़त्म हो सकता है। ठीक है, हिंदी के लिए आप जो भी मेन टॉपिक है, जैसे संधि, समास, कुछ मुहावरे होता ना, संज्ञा, ये सब पढ़ लीजिए, सर्वनाम, ये सब बहुत इजी टॉपिक है और ये सब को आपको थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। जैसे कौन सा समास है, अगर कोई शब्द दे दे कि लंबोदर कौन सा समास है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे ना छूटे। किस शब्द में कोई शब्द दे दे, उसमें कौन सी संधि है, तो ये ना छूटे। या किसी संधि का नाम दे दे, उसमें से एग्जाम्पल पूछ दे, तो आपसे ऐसे क्वेश्चन एटलीस्ट नहीं छूटने चाहिए। तो आप ये सारे टॉपिक्स हिंदी से पढ़ लीजिए और मैंने बाकी सब्जेक्ट का, जैसे करेंट अफेयर का, बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और हिस्ट्री का ऑलरेडी मैंने बताया है वीडियो बना के, आप उन सारे टॉपिक्स को देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें मैं पॉलिटी और ज्योग्राफी का भी इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं बता देती हूँ। जो पॉलिटी में है, सबसे पहले आपको अनुच्छेद जो भी इम्पोर्टेंट है वो सारे आपको देख लेने हैं, याद कर लेने हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा अनुच्छेद इम्पोर्टेंट है और कौन सा नहीं, तो आप एटलीस्ट उत्कर्ष चैनल के गौरव सर का किसी भी पुराने थोड़ा करेंट अफेयर का वीडियो देखिएगा। उसमें सर वीडियो के शुरू में ही 5 से 10 मिनट का गायत्री मंत्र कराते थे, उसमें आपको मिल जाएगा कहीं भी अनुच्छेद का वीडियो, जो सर शुरू से लेके लास्ट तक जितने भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद थे सर उस वीडियो में कवर कराते थे, रिवीजन कराते थे। आप वो वीडियो देख सकते हैं या कोई इंडिविजुअल वीडियो यूट्यूब पे सर्च करके इम्पोर्टेंट अनुच्छेद ऐसे कुछ भी पूछ के इस तरह से वो वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देख लीजिएगा। फिर भी जो इम्पोर्टेंट नियुक्ति है, जैसे राष्ट्रपति की कौन करता है, किस अनुच्छेद के तहत होता है, उनकी सैलरी क्या है, उनका कार्यकाल क्या है, इसी तरह प्रधानमंत्री का, उपराष्ट्रपति का, मुख्यमंत्री का, राज्यपाल का, ये सब जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, उनकी नियुक्तियाँ कितने वर्ष के लिए होती है, उनकी सैलरी क्या होती है, किस अनुच्छेद के तहत उनकी नियुक्ति होती है, उनका क्या कार्यकाल होता है, ये सब। और उन जैसे राष्ट्रपति तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो किनकी किनकी नियुक्ति करते हैं ये भी देख लीजिएगा। ये सब थोड़ी सी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको देख लेने चाहिए। ठीक है, बाकी ज्योग्राफी में आपको नदी, पहाड़, ये ज़रूर देख लेना है कि कहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इससे भी क्वेश्चन आएगा। तो ऐसे करके आप जो हाईलाइटेड टॉपिक है, एटलीस्ट उसको तो ज़रूर से ज़रूर रिवीजन कर लें, जिससे कि हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मिट्टी से हमेशा क्वेश्चन बनेगा, नदी से कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, कहाँ गिरती है, ये सब चीज़ें आपको याद होने चाहिए। ठीक है, पहाड़ कहाँ कहाँ, मतलब कौन कौन से पहाड़ है, उसका हाईएस्ट पिक कौन सा है, ये आपको बिल्कुल भी मतलब भूलना नहीं है, छोड़ना नहीं है, इससे तो क्वेश्चन बनेगा ही। अगर आपको ज्योग्राफी में 4 से 5, मान लीजिए एक एग्जांपल देती हूँ, क्वेश्चन आ रहा है, तो 3 टॉपिक तो ये 100% फिक्स है, एक नदी, पहाड़ और मिट्टी, ये तीनों से तो 3 क्वेश्चन फिक्स है, बाकी 2 और अदर टॉपिक से आ सकते हैं, बट ये जो है 3 ना, आपको इस तीनों से तो आना ही है। नदी से कभी किसी एग्ज़ाम
में मतलब क्वेश्चन आए ऐसा हो ही नहीं सकता, पहाड़ से ना आए हो ही नहीं सकता, ठीक है। मिट्टी से भी क्वेश्चन आते ही हैं, और चट्टानों का प्रकार जो होता है, कौन से चट्टान है, अवसादी है, रूपांतरित है, कायांतरित है, जो भी ऐसा कुछ। तो इस तरह से आप जो भी VVI टॉपिक्स है उसको एक बार ज़रूर देख लें, और जो भी सेट लगाते हैं उसमें से चीज़ों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, सेट अच्छे से एनालाइज करें। आपका एग्ज़ाम अब अच्छा जाएगा, आपकी तैयारी अब अच्छी हो चुकी है, इस चीज़ को मन में विश्वास रखें। अगर सेट में थोड़ा बहुत कम भी मार्क्स आ रहा है तो अब अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करें, ठीक है। वहाँ इससे पेपर थोड़ा सा इजी ही देगा, और नहीं भी दिया, सपोज मान लीजिए कि टफ दे दिया, जो आप लगाते हो उसे तो टफ नहीं ही ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में बहुत उससे टफ है, फिर भी अगर दे भी दिया तो वो सबके लिए होगा, ठीक है। अगर आप पढ़े हो और आपको नहीं आ रहा तो आप यकीन मानो वो पेपर किसी को नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप होपलेस अब नहीं हो, दूसरे का आप फ़ोन कर कर के पूछना कि तुम्हारा कितना आ रहा है, सेट में तुम्हारा कितना आ रहा है, ये छोड़ दीजिए। और आप जो भी अभी कर रहे हैं उसमें बस बेस्ट दीजिए, इस 10 दिन को यूटिलाइज़ कीजिए, आपका सब अच्छा होगा। अगर मेरी पुराने वीडियोस को नहीं देखे हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक का तो उसको जाके देखें, उसमें से भी अगर आपको सिलेबस थोड़ा छोटा कर देना है तो उसमें से भी जो इम्पोर्टेंट आपको लग रहा है वो पढ़ ले, बाकी छोड़ दे, ठीक है। तो इस तरह से अब स्मार्ट वर्क करें और ख़ुद पे ध्यान रखें, अपने तबीयत का भी ध्यान रखें, क्योंकि हेल्थ अगर अच्छा नहीं है तो कोई भी एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाएगा, ठीक। तो आप अपने पे ध्यान दें, पढ़ाई पे ध्यान दें, टेंशन फ्री रहें, और ख़ुद पे अब थोड़ा कॉन्फिडेंस रखें कि आपने अगर पढ़ाई करी है तो आपका अच्छा ही जाएगा। किसी के बहकावे में नहीं आए कि मेरा सेटिंग हो रहा है, बिना सेटिंग का नहीं हो सकता, तुम भी करा लो, इतने रुपए में हो रहा है, उतने रुपए में हो रहा है, इस चक्कर में भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको पता है पैसे कितने मेहनत से आते हैं, और कुछ लोग एडवांस लेते ही लेते हैं कि आप इतना एडवांस दे दीजिए और आपका करा देंगे, तो ऐसा नहीं है, आप नहीं कीजिएगा, आपके पैसे डूब जाएंगे, आप यकीन मानना। सिलेबस चेंज हुआ है, सिलेबस चेंज हुआ है, कुछ सिलेबस के पीछे अब मत भागो, 9th-10th का सिलेबस है, और जो आप अभी पढ़ रहे हो उसी को पढ़ो, अलग से अब बुक खरीद के पढ़ने का टाइम नहीं है। ऐसा बेवकूफाना हरकत नहीं करना कि अब बुक खरीदने जा रहे हैं 9th-10th का और बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो टॉपिक इसमें है वही उसमें भी होगा, ठीक। अब टाइम नहीं है कि बुक खरीद के पढ़ा जाए, अब आप जो पढ़ रहे हो वही पढ़ो। अगर आपको ज़्यादा लगता है तो YouTube पे कुछ सर्च कर लो, 9th-10th का हिस्ट्री का वीडियो जो होता है, पॉलिटी का, साइंस का, उस तरीके से वीडियो देखना है तो देख लो, बट आप अब बुक नहीं लेना, वो पैसा वेस्टिंग होगा, ठीक। तो चलो, मुझे जितना बताना था मैंने बताया, आप बिल्कुल तैयार हो एग्ज़ाम के लिए, कोई कमी नहीं है, आपने अगर मेहनत किया है तो ये जॉब आपकी होगी। मैं इसलिए ये विश्वास से बोल रही हूँ क्योंकि वैकेंसी बहुत बड़ी है, 20,000-21,000 जो वैकेंसी होती है ना वो कम नहीं होती है। अदर आप डिपार्टमेंट में देखो बहुत कम वैकेंसी आती है, ये इतना बड़ा वैकेंसी नहीं आता एक टीचर के बाद, यही एक ऐसा मतलब चीज़ है जो बहुत बड़ी संख्या में लोग इसमें सेलेक्ट होंगे, ठीक। तो आप लोग, बिल्कुल आप लोगों का सिलेक्शन होगा, 1,00,000 से ऊपर रिजल्ट आएगा, तो सोचिए आपका क्यों नहीं होगा, ज़रूर होगा। आप बस अब अपना मेहनत पे भरोसा रखें, इधर उधर के बहकावे में ना आए, और इस 10 दिन में भी क्या 1-2 नंबर अगर आप जोड़ सकते हैं, जो आपके होता है ना कि जो टॉपिक्स अभी वीक रह गए हैं उसको ढूंढिए, आइडेंटिफाई कीजिए, और उस टॉपिक को बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ जाइए। आपके जो कम 1-2 नंबर मतलब आ रहे होंगे, आपको डर लग रहा होगा, तो अभी भी 2-4-5 नंबर आराम से जोड़े जा सकते हैं। बस ढूंढिए कि कहाँ आप में कमी है, क्योंकि इंसान खुद की कमियों को बेहतर समझता है, ठीक है। चलिए, आई होप आपके लिए ये वीडियो 1% भी होता है ना कि यूज़फुल होगा, और अगर यूज़फुल लगे तो लाइक करना। थैंक यू।